हेलो जो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयुक्त सभी अच्छे होंगे। तो आपके सामने हिंदी अर्धवार्षिक पेपर 2024-25 आ चुका है। आई होप कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपके सामने आज हम क्वेश्चन पेपर पूरा देखेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वो भी हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्धवार्षिक पेपर आपका 2024-25, विषय आपका हिंदी, कक्षा 11। और ये मान के चलिए ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये आपके मेन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, प्लस उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इस पूरे पेपर से समझ सकते हैं। और इसी में से लगभग आप मान चलिए लगभग 60-70% क्वेश्चन आपको हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ही आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाए। बट इतना है कि 60-70% क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा पेपर देखेंगे प्लस इसका सॉल्यूशन आप कहाँ देख सकते हैं वो भी हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। तो समय आपका 3 घंटे, कक्षा आपका 11, पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा पेपर। सबसे फर्स्ट नंबर पर एक आपका क्या आएगा, गद्यांश आएगा जो कि 8 नंबर का रहने वाला है। इससे संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, तो ये आपने देख लेना है। प्लस सेकेंड नंबर पर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों का एक सार गर्भित निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, बालिका शिक्षा हो गया, मानव जीवन में वृक्षों का महत्व, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के बढ़ते चरण। इस पर आपने क्या लिखना है, 200 शब्दों तक क्या एक निबंध लिखना है। अगला प्रश्न है, अपने जिले के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके क्षेत्र के विद्युत एवं जलापूर्ति की समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन किया गया हो। 4 नंबर का ये रहेगा। या फिर इसी के अथवा मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी प्रहरी विषय पर लगभग 150 शब्दों का एक आलेख लिखिए। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि अपने ग्राम अथवा नगर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हुई प्रगति पर लगभग 150 शब्दों में एक प्रतिवेदन या फिर रिपोर्ट तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्नलिखित काव्यांश, अब आपको यहाँ पर काव्यांश दे दिए रहेंगे तो आपको 2 में से कोई एक को पढ़ करके उससे संबंधित जो प्रश्न है उनके आंसर देने हैं। और ये आपके 2-2 नंबर यानी 6 नंबर का ये प्रश्न रहने वाला है। एक ही आपका मीरा से संबंधित जो आपकी कविता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एक काव्यांश दिया हुआ है। इसी के अथवा में दूसरा जो आपको दे रखा है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर अथवा में, तो इसमें भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर अपने देने हैं। तो दोनों में से कोई एक काव्यांश का आपने आंसर देना है 3 प्रश्नों के। प्रश्न नंबर 6 है अगला, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दो जो कि दोनों प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के, का और खा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से कितने 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। हा नंबर है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो आपको जैसे मैं बता दूं कि मैंने कहा कि सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वो भी बताऊंगा, तो वो सॉल्यूशन देखो आपका, जैसे ये अभी एक जस्ट क्वेश्चन आप आ गया सामने कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। ऐसे ही आपके सारे जितने इनके हैं क्वेश्चंस और जो जो पॉसिबिलिटी है, यानी जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं आपके हिंदी के अर्धवार्षिक पेपर के लिए, तो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिसमें हमने टोटल आप लोगों के लिए 3 PDF प्रिपेयर किए जिसके अंदर आपका संस्कृत वाला पार्ट, बाकी ये जो आपका काव्यांश गद्यांश हो गया, और इसके अलावा जो आपका ग्रामर या फिर जिसमें आपका पत्र हो गया और आलेख हो गया, रिपोर्ट हो गया, वो टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर 3 PDF में देखने को मिल जाते हैं। तो 3 PDF आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा पूरा डिटेल में। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें भी आपको गद्यांश दिए रहेंगे, तो 2 में से किसी एक गद्यांश को आपने देखना है और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कि 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। एक तो अलोपी दीन वाला जो है, ठीक है, उससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपने यहाँ पर देख लेने हैं कि अलोपी दीन ने किसे किस सहारे को चट्टान समझा था और क्यों। ठीक है, और इसी के साथ जो दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है उसको देख लेते हैं कि स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट कैसे लगी। इसी के अथवा मैं आपको दूसरा दे रखा है नसरुद्दीन वाला कि लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन का शब्द चित्र कैसे खींचा है। दूसरा है, आंखों में काइया भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो 2 पैराग्राफ हैं, दोनों में से आपके आपने आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका, नमक का दरोगा नामक कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। हाँ नंबर आपका, बादशाह का नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। ठीक है, इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो है कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 4 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। कहा नंबर आपका, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर
कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यह किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो चार में से किन्हीं भी दो प्रश्नों का उत्तर आपने यहाँ पर देने हैं, तो एटलीस्ट आपने चारों पढ़ करके जाने हैं। 10वां प्रश्न है, तीन के उत्तर देने हैं जो कि तीन तीन नंबर के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, और 5 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। दूसरा है, राजस्थान में कुई बनाने का कार्य कौन लोग करते हैं और उनका समाज में किस प्रकार सम्मान किया जाता है? गा नंबर है, कुई और कुएं में तीन अंतर लिखिए। घा नंबर है, गानपन का क्या आशय है? पाठ, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। और 5वां प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे नामक पाठ के आधार पर समाज के लिए उपलब्ध पानी को किन रूपों में बांटा गया है, समझाइए। नेक्स्ट आपका हो जाता है संस्कृत वाला पोर्शन स्टार्ट। यहाँ पे आपके 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, गद्यांश दे रखा है, इन्हीं गद्यांशों को पढ़ करके आपने नीचे 5 प्रश्न दिए हैं, 5 में से किन्हीं भी 5 मतलब 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, इसको आपने देख लेना है। प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पे आपको एक श्लोक दे रखा है और श्लोक को ही पढ़ करके आपने 4 में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी आपको आपके जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, उसमें से आपको लगभग 8 प्रश्न दे रखे हैं, 8 में से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का आपने उत्तर देना है, वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, यहाँ पे दो आपको टोटल 3 और 3 6 6 प्रश्न 6 संस्कृत शब्द दे रखे हैं, तो उनमें से किसी भी 2 शब्दों का आपने क्या करना है, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है, संधि विच्छेद करना है, सु प्लस आक्तम स्वाक्तम हो जाएगा, सत प्लस जना तो इसको आपने देख लेना है, संधि विच्छेद करना है, पौ प्लस अकहा हो जाएगा, और दूसरा है सूर्य प्लस उदय, ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है संधि और संधि विच्छेद। नेक्स्ट इसी के अथवा में अगर आप ऊपर का और खा नहीं करते हैं तो अथवा में आपको दे दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधनी से कोई एक श्लोक लिखकर उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये बच्चों आपका पूरा एक संस्कृत का पेपर है, संस्कृत कह रहा हूँ हिंदी का पेपर है, तो इस पूरे पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक में काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो शुभकामनाएं हैं। अब बात करें कि इनका सॉल्यूशन आपको कैसे मिल सकता है, या फिर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है ये जो आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टोटल 3 पीडीएफ है। पहली पीडीएफ जिसके अंदर आपको ग्रामर सेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका ये कवर रहेंगे, निबंध कवर रहेगा, बाकी पत्र कवर रहेंगे, और उसके अलावा आलेख और रिपोर्ट, तो ये जो 4 तरह के प्रश्न है वो आपके एक पीडीएफ में, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो पीडीएफ रहेगी, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह अभितान, ये आपके एक पीडीएफ है। दूसरी है रचनात्मक, यानी जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन का काम रहेगा वो, और अनिवार्य संस्कृत, टोटल 3। और इन तीनों पीडीएफ को आप मात्र कितने रुपए में परचेस कर सकते हैं, देखो 30+20+30 यानी लगभग 80 रुपए में आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाती है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है हिंदी में तो आप इजली यहाँ से इनको ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनके अगर आपके पास नोट्स बने हैं तो आप वहां से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको आप लेने के लिए सिंपली क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे कम्बोज सर, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। उसका नेक्स्ट स्टेप रहता है, आपके सामने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको यहाँ पर मिल जाता है टॉप 30 क्वेश्चंस 2024 to 2025, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 11th 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने अपना सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है हिंदी, जिस भी सब्जेक्ट के आप लेने चाहते हैं, हाफ ईयरली या फिर ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी है। तो सिंपली आपने हिंदी पर क्लिक कर देना है, हिंदी पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो भी मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, 3 पीडीएफ टोटल है, तो तीनों पीडीएफ आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आप किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको मान लो तीनों नहीं चाहिए तो जो भी एक एक पीडीएफ या दो पीडीएफ चाहिए सिंपली आपने उनको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद इस तरह से आपके ये आ जाएगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट, और लास्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर अपनी डिटेल फिल कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे वेबसाइट से नहीं लेना चाहते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने अपनी क्लास बतानी है, आपने सब्जेक्ट बताना है, प्लस कौन कौन सी पीडीएफ लेनी है, वो आपने हमको वहाँ पर मैसेज में बता देना है। इस नंबर पर मैसेज करके हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजिली अवेलेबल हो जाएगी। आई होप बच्चों आप अच्छे से पूरी प्रोसेस को समझ गए होंगे, बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। बाकी ये पेपर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उनको एक ये पेपर प्लस प्रीवियस आपके लगभग 2 साल के पेपर आपको उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो जो भी बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं आप लोग जरूर मैसेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।